ये देखो दोस्तों, दिल्ली का जो मशहूर है ना मूंगलेट, उसकी प्रोसेस लेकर आया हूँ। ये बाहर से एकदम करारा और अंदर से मेल्ट इन माउथ रहता है, एकदम सॉफ्ट। तो और मेरे चटोरों कैसे हो आप? चलो बनाते हैं मूंगलेट। एकदम सिंपल है रेसिपी दोस्तों। ये मैंने 1 कप मूंग दाल यूज़ करी है। इसी के साथ में मैं ये 2 बड़े चम्मच उड़द ले रहा हूँ। ये उड़द दाल है वाइट वाली। अब इन दोनों को साफ़ करके हम लोग 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। अभी आप देख सकते हो दाल फूल के रेडी है। अब इसका पेस्ट बनाना है तो एकदम कम से कम पानी के साथ मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर कम होगा तो बाद में मिला ही सकते हैं। पूरा स्मूथ भी नहीं बनाना है। अभी आप देख सकते हो ये ज़्यादा ही दरदरा है, तो मैं एक और बार चला लेता हूँ। पेस्ट स्मूथ भी नहीं होना चाहिए, दरदरा भी नहीं होना चाहिए। ये वाली कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है दोस्तों। तो मैंने सारी दाल को क्रश करके ये बोल में निकाल लिया है। अब हम लोग इसमें फ्लेवर के लिए डाल देंगे हींग। ये 1/4 टीस्पून हींग डाली है, साथ में नमक, और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा कलर भी डाला है। आप चाहो तो हल्दी भी डाल सकते हो। इसमें अब हम लोग हवा डालेंगे, तो उसके लिए बस फेंटना स्टार्ट करना है, और ये प्रोसेस कम से कम 5 मिनट के लिए करना है। इसे नेचुरली अपने मूंगलेट में एकदम लाइटनेस और सॉफ्टनेस आती है। यही स्टेप से है ना मेल्ट इन माउथ वाला टेक्सचर मिलेगा दोस्तों, और अंदर थोड़ा ड्राई भी रहेगा। अगर अच्छी तरह विप नहीं करते हैं तो है ना मूंगलेट पकने के बाद भी अंदर से थोड़ा गीला गमी पेस्टी लगता है, मतलब गीला गीला लगेगा। तो अभी मैं रुक रहा हूँ, ज़्यादा फेंट लिया हूँ। तो ब्रेक लेकर मैंने ये सब्जियाँ तैयार करी है। इसमें टॉपिंग के लिए बीट, अदरक और धनिया है। तीनों को लंबा लंबा काट लिया, और बैटर में जो डलेगा उसमें कॉर्न, कैप्सिकम और प्याज है। ये तीनों जो सब्जी है ना कॉर्न की साइज़ की रखनी है। चलो सब्जी रेडी हो गई, तो अब वापस से फेंटना स्टार्ट करते हैं। पूरी 5 मिनट कंप्लीट करनी है दोस्तों, और अभी आप देख सकते हो कितना थिक लग रहा है। इसमें फ्लफीनेस पूरी आ गई है। तो अब मैं इसमें पानी मिलाऊंगा। हम लोग को बैटर पूरा डोसा वाला चाहिए, जैसा डोसा के लिए बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा। अभी देख सकते हो आप अपना फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर रेडी है। अब मूंगलेट बनाते हैं, उसके लिए एक छोटा सा बोल में मैं ये बैटर निकाल रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट 3 कड़छी बैटर निकाला हूँ। इसमें प्याज डाल देंगे, साथ में कैप्सिकम और कॉर्न। मूंगलेट को फुलाने के लिए ये 2 चुटकी खाने का सोडा है, मतलब 1/8 टीस्पून है ये मीठा सोडा। इन सबको डालकर अच्छी तरह फेंट लेना है। सोडा आपको बनाने के टाइम पे ही मिलाना है, सब्ज़ी भी ऐसे बनाने के टाइम पे ही मिलाना है, वरना जो बैटर में नमक है ना उसकी वजह से सब्ज़ियाँ पानी छोड़ने लगती है और सोडा का रिएक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। तो अच्छी तरह ऐसे बनाने के टाइम पे फेंट लीजिए थोड़ा सा बैटर में, और फिर हम लोग एक फ्राई पैन गर्म कर लेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच, ये 2 टीस्पून है बटर। बटर पिघला हुआ यूज़ करना है दोस्तों। बटर में जब ऐसे बुलबुले आने लगते हैं तब हम लोग इसमें जो बनाए थे ना अभी मिक्सिंग किए थे वो डाल देंगे बैटर। फ्लेम को मीडियम रखिए दोस्तों, और ये रेसिपी के लिए नॉनस्टिक बेस्ट रहता है। इसमें ऊपर हम लोग सजा देंगे बीट के लच्छे। ये बहुत आसान है बनाने के लिए। मैंने क्या किया था, जो आलू चिप्सर होता है ना, चिप्स बनाने की मशीन, उसमें से चिप्स निकाल के लंबा लंबा काट लिया। साथ में मैंने इसमें अदरक और धनिया भी डाला है। अब बस हम लोग इसको 1 मिनट तक सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। साइड साइड से ये जब सूखने लगता है, अभी आप देख सकते हो कितना फूल गया है, तो अब इसको पलट लेते हैं। आराम से पलटिएगा दोस्तों, उसके बाद वापस 1 मिनट तक सेकना है। अभी हम लोग ऊपर और नीचे की तरफ से इसको सुखा रहे हैं। जब ये सूख जाता है ना तब इसमें कटिंग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली जो करोल बाग में डबल बटर वाला मिलता है ना, उसमें 6 पीसेस करते हैं इसके। मैं अभी 4 ही कर रहा हूँ क्योंकि साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो बस ऐसे आप अपने कोंचे से 4 कट मार लीजिए। थोड़ा ध्यान से करिएगा पूरा ना कट जाए। और फिर हम लोग इसमें बटर डाल देंगे। ये मैंने वापस 2 छोटे चम्मच बटर डाला है, और अब मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पलट पलट के सेकेंगे। अरे वाह, क्या कलर आया यार, देख के ही मज़ा आ गया। एकदम कड़क बना है ये बाहर से, अंदर से नरम मिलेगा। इसमें सब्जी भी बहुत सारी है। या आप मूंग का ऑमलेट ज़रूर से ट्राई करिएगा भाई लोग, मज़ा आ जाएगा। अब इसको हम लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो इसी को ऐसे हाफ फोल्ड कर लेंगे, और फिर मैं इसको सर्व कर रहा हूँ वो जो 2 चाट वाली चटनी बनाई थी ना उसके साथ। प्रोसेस सेम है बाकी बनाने के लिए भी। आप एक छोटे से बोल में 2 से 3 कड़छी बैटर निकाल के उसमें सब्जी सोडा मिला लीजिएगा, अच्छी तरह फेंट कर फिर फ्राई पैन पे इसको बनाना है। मूंगलेट सीखने में बस थोड़ी टाइम ज़्यादा लग जाती है, पूरी 5 मिनट लगती है दोस्तों एक मूंगलेट बनाने में। तो आप एक बार में 2 गैस में बनाओ तो सही रहेगा, सब गर्मा गर्म खा पाएंगे। ये वाला देखिए क्या बना है यार, ये लास्ट वाला था वैसे। आप ट्राई करिएगा दोनों हरी और लाल चटनी के साथ, सही में ये कॉम्बिनेशन जैसा कुछ नहीं है।
तो कैसी लगी रेसिपी दोस्तों, ज़रूर से बताइएगा। इसको आप सुबह भी बना सकते हो, दिन में भी, शाम को भी, डिनर में भी बनाकर मुझे को बताना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक बटन। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द और रेसिपीज़ के साथ। बाय बाय।